आज के टॉपिक में हम कर रहे हैं जब हमें एक साइड कुछ और चाहिए और फ्लिप नॉर्मल के दूसरी साइड कुछ और चाहिए। तो मान लो हमें हमारे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में एक ही पॉली के दो साइड हैं, ये पॉली और ये पॉली, एक साइड ग्रे आ रहा है एक साइड ब्लैक आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ दोनों साइड अलग अलग मटीरियल आए, तो आपको क्या करना है इसके लिए, गो टू हाइपर शेड, तीन लैम्बर्ट ले लो यहाँ पे, एक दो तीन, अब तीनों लैम्बर्ट को हमें आपस में जोड़ना है। तो मान लो ये वाला लैम्बर्ट के अंदर ये दोनों जोड़ने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस फोर वाले के अंदर मुझे बाकी दो लैम्बर्ट जोड़ने हैं। तो कंडीशंस के थ्रू आपको जोड़ना है, कंडीशन यूटिलिटी यहां से ले लेना। कंडीशन क्या करेगा, दोनों यूटिलिटीज को, दोनों मैप को इफ ट्रू और इफ फॉल्स पे ले लेगा। तो क्या करो, कंडीशन लिया, इफ ट्रू पे ट्रैक कर दिया, इसका कलर, इसका इफ ट्रू, देन दोबारा अब इस वाले को इस पे ट्रैक कर दिया, इसका कलर, इसका इफ फॉल्स। तो दोनों देखो इसके अंदर जा रही हैं, दोनों इसके साथ जुड़ गई। अब मर्ज होने के बाद कंडीशन इसके कलर पे डाल देनी है। तो देखो इनडायरेक्टली ये दोनों मटेरियल एक मटेरियल पे जा रहे हैं, और ये एक मटेरियल इस पे जा रहा है। जो कलर आप यहां करोगे वही व्यू ग्राइंडर में दिखेगा। ठीक है, ये ग्रीन, ये रेड। अब मैं चाहता हूँ दोनों मटेरियल मैंने डाल दिए पर दिखे एक ही रहा है, मैं चाहता हूँ दोनों दिखे, तो आप यहाँ से यूटिलिटी लेना, सैंपल इन्फो, सैंपल इन्फो को कंडीशन के फर्स्ट टर्म पे ड्रैग कर देना। आपको एक तरफ लेना है फ्लिप नॉर्मल, एक तरफ फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी। अब देखोगे दोनों साइड अलग अलग मटेरियल आ रहे हैं, अंदर की साइड आ रहा है रेड, बाहर की साइड आ रहा है ग्रीन। समझ आया?